I saw them guys, I'm closing my shoes and the gentleman my life and getting me hazir he. Acam bod müzik anlaştı buna necari. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मज़े का नाश्ता बन रहा है मछली के लिए। अब ये एक सेब है, ये नाशपाती है, अब इसे छील के मुबशर इसे कद्दूकस कर रहा है। ठीक है, छीला भी मैंने खुद है। इसने खुद ही छीला। अब करेगा तो सही ना, अपनी वीडियो जो बनवानी काम तो करेगा। ये हम सेब कद्दूकस किया हुआ डाल रहे हैं। यहाँ मैंने नाशपाती को इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब सेब का सेब को मैंने ट्राई किया तो सेब से खटास आ रही थी, तुष्ट था सेब, तो नाशपाती से मिठास आ जाएगी ज्यादा और टेस्ट और अच्छा बन जाएगा। चलो ठीक है, ये बिल्कुल हम ना हाई वो लो फ्लेम पर इसको लो फ्लेम पर करेंगे। ये 2 teaspoon ब्राउन शुगर इसमें ऐड करनी है। ठीक है, और ये 1 teaspoon सिनेमन पाउडर रहेगी, दालचीनी। हाँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप ऐसी डिश बनाते हैं ना। हमें दालचीनी कहते हैं, दालचीनी कहते हैं, दालचीनी दालचीनी। हाँ, दाल वाली दाल, दाल की चीनी होती है ये, बस गरम मसाले की ये वो है। चलो इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे, मैं तो समझता था दाल चीनी कहते हैं। दाल चीनी, दाल चीनी। अच्छा, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया, थैंक यू। चलो इसको अच्छे से मिक्स करो। देखें ये बिल्कुल खुशक हो गया, इसको अच्छा सा मिक्स हो गया, ये अच्छी तरह से बिल्कुल अपनी सही शक्ल में आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठीक है, ये अब हमने ब्रेड के पीस ले लिए और अब इसको हम हल्के हल्के बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको आपने बेलना है। ठीक है, और इन सारे तो जो ब्रेड है इसको आप बेल कर इसके रख दें। ठीक है, फिर बिल्कुल शाबाश, अच्छी तरीके से ये हमने एक अंडा फेंट लिया। ठीक है, और अब ये ब्रेड के जो है ना मैं साइड से ये किनारे काट दूंगी। और ये हमारा जो मिक्सर है ये ठंडा हो गया। अंडा है ना इसको हम साइडों पे लगा देंगे, इससे ही आसानी से जो है चिपक जाएगा। देखेंगे कितने अच्छे से चिपक गया। देखें अच्छा सा बन गया। अब इस वक्त हम कांटे की मदद से इसको खूबसूरत भी लगेगा और ये है कि ये प्रेस होके मजबूत भी हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है, नहीं तो ये मेरे पास बिल्कुल होल व्हीट की ब्रेड है तो ये बिल्कुल जो है ना चूरा हो जाएगी। चल ठीक है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है बटर के डाल देंगे। ठीक है, बटर से ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फ्राई पैन ज़्यादा गर्म हो गया तो इसको फिर लगा में बंद कर देंगे। और दो टेबल स्पून में इसमें बटर डाल देंगे। ठीक है, तो
बिल्कुल लो स्पीड पे से खोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा फ्राई पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। अब उसको हम बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं है ये, इसमें हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। हमें इसे बिल्कुल दो फ्लेम पे रखना, हाँ, ताकि ये अच्छे से सूरज सा ब्राउन हो जाए। एक दो मिनट इसको पकने देंगे तो उससे ये बहुत प्यारा ब्राउन हो जाएगा। ये झटपट सा नाश्ता है, फौरन हाँ। ही तैयार हो जाता है। हाँ, आपने जितनी देर हमें देखा होगा बनाते में, रिकॉर्डिंग में, इतनी ही टाइम ही हमें लगा है इसको बनाने में, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं दरकार। ये देखे हमने इनको पलट दिए और ये कितने अच्छे से ब्राउन हो गए, और ये दूसरी साइड से पक रहे हैं गोल्डन ब्राउन, हाँ, जबरदस्त हो गए। और ये जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं इससे ज्यादा अच्छे तो खाने में होंगे। वो तुम खाओगे तब, पहले से तारीफ शुरू हो। नहीं, आपके हाथ का खाना बहुत ही जबरदस्त होता है। चलो छोड़ दे इस बात। गाइस, हमारा सेब और नाशपति के फ्रूट पाए तैयार हो गए हैं, और अब हम आप इनको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। देख कितने अच्छे से तैयार हुआ है। चले, अब आप बशीर हमें दिखाएगा टेस्ट करके कि वाकई इसका टेस्ट अच्छा बना है या नहीं। बशीर सच सच बोलना, सही नहीं बनेगा तो कह देना नहीं बना। मामा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आपके खाने के जैसा कोई खाना बना ही नहीं सकता। नहीं नहीं, अभी खा के बताओ ये गलत। नहीं नहीं, मैं पहले से कह रहा हूँ। चलो जी बशीर, अब खा के बताओ ये कैसा बना है। ठीक है मामा जी। वाह पुत्री, मजा ही आ गया। बहुत मजे का मामा, बहुत मजे का। झूठ तो नहीं कह रहे? बटर जो आपने डाला ना उसमें तो मजा आ गया, मजा। चलें जी, हमारे बच्चे को आप दुआ में याद रखें और इसको इस हौसला अफजाई करते रहें ताकि इस स्नो में घर में अच्छे से वो अपना टाइम गुजारे, और इस कोविड में अच्छे अच्छे खाने बना के आपको खिलाता जाए। हाँ, खिलाता जाए। और ये है कि ज़ाहिर घर में टाइम गुजारना मुश्किल होता है, इसके लिए आपकी हौसला अफजाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। हे गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगहबान।